वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग और आज मैं बना रही हूँ कैरी का अचार तो देखिए मैंने दो किलो कैरी ली है और इसे इस छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है जहाँ से मैंने कैरी ली थी उन्हीं के पास से मैंने इसे कटवा लिया है वो लोग काट कर देते हैं और एक्स्ट्रा आप पैसे लेंगे लेकिन वो इस तरीके से काट देंगे उनके पास एक बड़ा सा छुरा जिसको सरोता बोलते हैं तो वो उसी से काट कर देते हैं और अभी मैंने इसे इसमें निकाल लिया है और अब मैं इसके अंदर से ना एक गुटलियाँ जो होती है वो निकाल लूँगी इसके जो अंदर का जो बीज होता है वो निकाल लेंगे तो बहुत से लोग उसे रखते हैं बहुत से लोग निकाल देते हैं तो अभी मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी तो पहले मैं इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ तो एक थाल में मैं इसे निकाल रही हूँ और ये थाल में इसे निकालने के बाद इसमें जो भी इसकी गुटलियाँ हैं गुटली के जो कटे हुए हिस्से हैं उसको निकाल लेंगे उसे मैं सब रिमूव कर दूँगी निकाल दूँगी और उसके बाद इसका आगे का प्रोसीजर करते हैं तो पहले मैं सब देखिए इस तरीके से निकाल ले और इसे मैंने वो आंटी ने ही इसे जहाँ से मैंने इसे ख़रीदा है उन्होंने इसे पहले वॉश किया फिर एक सूखे कपड़े से पोच कर इन्होंने मुझे कट करके दिया है इसे काटने के बाद बिल्कुल भी ना धोए और अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक तो नमक करीब मैंने पचास से सत्तर ग्राम के करीब नमक लिया है मैंने तो ये दो किलो की कैरी के हिसाब से है तो अभी इतना नमक नहीं जाएगा नमक और इसमें हम ऐड करेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसके लिए इसमें डाल रही हूँ और ये इसमें मैंने डाल दी दो चम्मच के करीब हल्दी दो चम्मच हल्दी डालने के बाद इसे अपने हाथों को पहले अच्छे से वॉश कर लें और एक सूखे कपड़े से हाथ आ, क्लीन कर ले और फिर इसे मिक्स कीजिए हाथों में ज़रा भी नमी नहीं होनी चाहिए अब कैरी पर पानी अगर लगेगा तो अचार ख़राब होने का डर है तो इसीलिए इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी ना लगाए और अभी मैंने इसको नमक हल्दी लगा के रख दिया है और मैं अब इसको ये देखिए किस तरीके से इसके ऊपर नमक की पूरी कोटिंग आ चुकी है हल्दी की कोटिंग आ चुकी है तो बस इसी तरीके से चाहिए और इसे मैं दस से पंद्रह मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी इसके अंदर कुछ भी ना करें बस दस पंद्रह मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें इसका जो कैरी का एक्स्ट्रा पानी है वो ये थाल में निकल के आएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर क्या है और ये अचार जो मैं बना रही हूँ ये महाराष्ट्र स्टाइल में बनाऊँगी जो कि बहुत अच्छा बनता है महाराष्ट्र स्टाइल में हम लोग बनाते हैं तो अच्छा बनता है हर तरीके का अचार है अपनी अपनी जगह में फेमस है और ये देखिए इस तरीके से इसका पानी निकल गया है और इसके आगे अब मैं क्या करूँगी कि एक मैं कॉटन का कपड़ा लूँगी मलमल का कपड़ा जो भी आपके पास हो ज़रूरी नहीं है कि वाइट ही लेना है ब्लैक ही लेना है आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हो लेकिन ध्यान रखें डार्क कलर का ही लिए ले, ले और अब इसके अंदर मैं ये कैरी डाल दूँगी पूरी ये देखिए जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है नमक और ये जो कैरी का पानी निकला है हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है कैरी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और इससे क्या होगा इससे ये होगा कि आपकी जो कैरी है ना वो पूरी तरीके से एकदम टाइट हो जाएगी कड़क हो जाएगी कैरी जो कि हमें अचार के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि कैरी कड़क रहे अगर कैरी एकदम नरम रहेगी पानी वाली रहेगी तो अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा वो साल भर नहीं चल पाता है तो बस इस तरीके से अभी मैं इसकी एक पोटली बांध लूँगी तो ये पोटली में भी बांध रही हूँ और इसे कई ऊंची जगह पे आप लटका दे टिंगा दे आपके यहाँ कई जगह हो तो वहाँ पर इसे इस तरीके से टंगा के रख दें और नीचे मैं ये यही थाल नीचे रहने दूँगी और रात रात भर इसे इस तरीके से लटका दे पूरी रात लटका दे अगर आप सुबह के टाइम बना रहे हो तो सुबह से इसको लटका दे तो रात तक के ये पानी जो भी इसका है एक्स्ट्रा पानी वो निकल आएगा तो इस तरीके से देखिए तो अभी जो भी एक्स्ट्रा पानी इस थाल में निकल के आ जाएगा ये देखिए और इसको मैं इस तरीके से लटका के रख देती हूँ फिर आगे का प्रोसीजर आप लोग को दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है और ये देखिए मैंने रात भरी इसे लटका के रखा था और ये देखिए पूरी तरीके से कैरी सूख चुकी है और ये एक्स्ट्रा पानी देखिए कितना निकला है ये देख सकते हो आप लोग तो अब इसे मैं इसी थाल के अंदर ये थाल को पहले वॉश करके मैं क्लीन कर लेती हूँ ये मैंने था ले लिया है और अभी इसके अंदर जो कैरी थी इसे निकाल लेंगे बाहर तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को काफ़ी कड़क हो चुकी है और एकदम टाइट हो गई है तो ये देखिए तो कैरी में निकाल तो ये जो अचार है इस तरीके का जो अचार है ये मेरी दादी बनाते हैं तो मैं भी उसी तरीके से आज अचार बना रही हूँ हमेशा मैं इसी तरीके से मतलब अचार बनाती हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कैरी का सीजन है तो भाई अचार बनना तो लाजमी है तो ये देखिए तो ये कितनी टाइट हो चुकी है और इसमें ज़रा भी नमी नहीं है बिल्कुल भी और इसके इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि कैरी के अंदर पूरी तरीके से नमक जो है ना वो अंदर एब्जर्व हो जाता है जो कैरी का जब हम अचार वाली कैरी खाते हैं तो वो खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है और अभी मैंने इसे बाहर लेकर आई हूँ ये मेरी गैलरी में और गैलरी में हल्की सी धूप है और ये धूप के अंदर मैं इसे अभी पाँच से छः घंटा रहने दूंगी और इसी तरीके से और हवा भी काफ़ी गर्म है धूप अगर नहीं भी लगेगी तो हवा के इससे ये सूख जाएगा और ये देखिए अब मैं इसे निकाल लेकर आई हूँ अंदर तो पूरी तरीके से सूख चुकी है अच्छे से एकदम आप देख सकते हो अभी इसके अंदर हमें मसाले मिक्स करना है तो मैं इसके सब मसाले भी तैयार कर लेती हूँ तो ये देखिए ये पूरी तरीके से कैरी एकदम अच्छे से सूख गई है अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे पंखे में रात भर पंखे में भी रख सकते हो या अगर आप सुबह के टाइम है तो आप सुबह से शाम भी पंखे में रख सकते हो तो ये इजीली सूख जाएगी लेकिन ध्यान रखें इसमें गिल्ला हाथ बिल्कुल ना जाने दें और बच्चों के हाथ से दूर रखें इसे ताकि बच्चे हाथ ना लगाए बात तो यहाँ मैंने ये ले लिया है अब मसाला रेडी करेंगे तो मसाले के लिए ली है मैंने ये राई की दाल तो देखिए ये राई की दाल है और ये मैंने ली हूँ अढ़ी सौ ग्राम दो सौ पचास ग्राम है क्योंकि मेरे यहाँ पे अचार का रायता ज़्यादा पसंद किया जाता है इसीलिए अगर आपको कम चाहिए तो आप सिर्फ दो सौ ग्राम भी ले सकते हो और अब मैं ले लूँगी मेथी दाना तो ये मेथी दाने हैं तो ये मेथी का दाना भी करीब मैंने लिया है तो दो चम्मच तो देखिए दो बड़े चम्मच मैं लूँगी और अगर वजन से आप देखोगे तो ये दस से पंद्रह ग्राम के करीब है मेथी दाना तो मैं आपको ये मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ तो दो किलो केरी का अचार इस मेजरमेंट से आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो सब मसाले एकदम परफेक्ट है तो अभी मैं आपको एक एक मसाला करके दिखाती हूँ और ये मैं ले रही हूँ लौंग तो ये लौंग भी मैं करीब दो चम्मच के हिसाब से लूँगी दो चम्मच बोल का मेजरमेंट है दस ग्राम तो टोटल चीज़ें आपको दस ग्राम ही लेनी है दस दस ग्राम के हिसाब से ले आप तो ये देखिए ये लौंग मैंने ले ली हूँ और अभी इसका मसाला जो है वो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है आप लोग भी घर में बना सकते हो बहुत आसानी से बन जाता है बस थोड़े मसालों का आपको ध्यान रखना है और मेजरमेंट का भी ध्यान रखना है कि आ, कितना मेजरमेंट के, के मसाला कौन सा इसमें कितना जाएगा तो इन आपका अचार भी बहुत अच्छा बनेगा और अचार बनाना मुश्किल नहीं है और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा अचार ख़राब हो जाता है नहीं रहता है तो देखिए आप जितनी अच्छा अच्छे तरीके से इसे बनाओगे जैसे कि पानी से इसको बचाओगे और इसकी जितनी अच्छे से आप देख रेख करोगे उतना अच्छा आपका अचार एक साल भर तक चल जाएगा बाकी आप अगर इसमें गीला चम्मच डालोगे तो ये अचार ख़राब हो जाएगा और ये मैंने ली हूँ धनिया है ये तो करीब ये धनिया मैंने ली हूँ सौ ग्राम के करीब ये धनिया है देख सकते हो आप लोग ये साबुत धनिया है ये मैं ली हूँ सौ ग्राम धनिया की क्वांटिटी सौ ग्राम रखे और अभी मैं ले रही हूँ सौफ़ तो सौंफ़ भी करीब मैं लूँगी बीस से बीस से पच्चीस ग्राम के करीब सौंफ ले लेंगे तो ये सौंफ़ भी मैंने बीस से पच्चीस ग्राम सौंफ ली है सौंफ का एक बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है तो ये सौंफ भी डालना ज़रूरी है और ये हमें डाइडिशन के लिए भी काम करता है हमारे हाजमे को अच्छा रखता है सौंफ़ और ये ली है मैंने आ, लहसुन तो लहसुन छीन लें और मैंने ये लिए हूँ करीब सौ सौ ग्राम के करीब मैंने लहसुन लिया है और अब इन सब चीज़ों को और इन मसालों को एक एक करके मैं पीस लूँगी तो अभी ये लहसुन को एक साइड पे रखते हैं और मसाले तो मैं आपको मिर्ची बता देती हूँ तो मिर्ची जो है ये मैंने ली हूँ अचार वाली मिर्ची जो मिलती है मार्केट में आप बोलोगे अचार में डालने वाली मिर्ची तो आपको किसी भी शॉप पर ये मिल जाएगी मसालों की शॉप में इजीली मिल जाती है ये बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं होती ये थोड़ी दरदरी होती है जो अचार में स्पेशली डाला डाली जाती है और इसमें आपको अलग से कोई तीखी मिर्ची नहीं लेना पड़ेगी और ये तेल लिया है मैंने तो ये दो प्याले भर के मैंने तेल लिया है और ये प्योर सिंगदानी का तेल है तो आज मैंने बताया जैसा आपको कि मैं महाराष्ट्र स्टाइल में बना रही हूँ तो सिंगदानी का तेल मैंने गर्म करने रख दिया है और अभी हम ये मसाले दर दर करके पीस लेंगे हमें ज़्यादा इसका पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है इन्हें दर दरे ही पीसना है तो अभी मैं इसे पीस के लेकर आती हूँ तो ये देखिए बस इस तरीके से इसे ज़्यादा इसे भुक्की नहीं बनानी है ये देखिए अब सभी मसाले एक एक करके मैं पीस लूँगी तो अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बर्तन में ये बर्तन में मैं निकाल रही हूँ इसको इसके बाद अब मैं पीस लूँगी मेथी दाना तो मेथी दाने को भी हमको हल्का सा क्रश करना है पाउडर फॉर्म में नहीं करना है इसमें कुछ कुछ मेथी के दाने होने चाहिए जैसे इस तरीके से देखो दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे से तो ये अभी सारे मसाले एक एक करके मैं पीस लेती हूँ आपको दिखाने का रीज़न यही है कि आपकी समझ में आ जाए और अब सौंफ भी मैंने पीस ली है और अभी इन दोनों चीज़ों को साथ में पीस ली राई और और अब ये पीस रही हूँ मैं लहसुन तो लहसन को हल्का सा क्रश करना है बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है और दो 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 बारी में करके पीसे एक बारी में पूरा लहसन डाल के ना पीसे वरना वो पानी पानी हो जाएगा ये देखिए लहसन भी रेडी है और सब मसाले भी मैंने रेडी कर लिए अब बारी अब इसे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको अचार में डालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ मैंने एक पतीला लिया है और इस पतीले में मैं लहसुन जो मैंने क्रश किया है वो लहसुन इसमें डाल देंगे और जो तेल गरम करने रखा था इसमें से पूरी तरीके से धुआँ निकल रहा है तेल काफ़ी तप चुका है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तेल तो अब ये गरम तेल हमको थोड़ा थोड़ा करके ये लहसुन में ऐड करते जाना है देखिए और इसे बीच बीच में चम्मच से आपको चलाते रहना है ताकि पूरी तरीके से ये सिक जाए इसके अंदर हो जाए पक जाए थोड़ा और अगर ये नहीं पकता है तो आपको इसे एक से दो मिनट के लिए गैस के ऊपर रख कर इसे पका लेना है और लाइट कलर इसमें आ आ जाए ऐसे ही पकाना है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है सिर्फ लाइट ताकि इसका जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए और देखिए इस तरीके से तो पूरी तरह मैं इसको इस तरीके से अभी ये करूँगी अगर मुझे लगेगा तो मैं इसे फिर गैस के ऊपर भी थोड़ा पका लूँगी एक से दो मिनट जैसा मैंने आपको बताया तो ये देखिए इस तरीके से तो अभी मैं रखती हूँ इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे मैं अभी रखूँगी साइड पर ये देखिए मैंने इसे दो मिनट गैस के ऊपर पकाया था और उसके बाद देख सकते हो आप लोग बस इस तरीके का ही चाहिए तो अब मैं मसाले की तैयारी करती हूँ तो मैंने ये थाल लिया है पहले तो इसके अंदर डालेंगे राई राई डालकर राई को अच्छे से फैला लें हाथ से पहले ये देखिए जिस तरीके से मैं फैला रही हूँ ये इसे और एक एक करके सब मसाले अभी राई के ऊपर हमें डालने हैं ये देखिए तो अभी मैं डाल दूंगी धनिया जो हमने पीस के रखा है तो ये मैं धनिया ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर इसको भी इस तरीके से इसके ऊपर फैलाते जाए सभी मसालों को बारी बारी से इस पर बिछा देना है और अभी मैं लूँगी मेथी दाना तो मेथी दाना भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है काली मिरी और लौंग का पाउडर भी इस पर डाल दें ये देखिए ये भी मैंने हल्का क्रश किया है बहुत ज़्यादा इसको नहीं मैंने पीसा है भुक्का नहीं बनाया और ये सॉफ्ट लिए है तो सॉफ्ट को भी हमें दर पीसनी है ना कि इसका भी कोई पाउडर फॉर्म नहीं बना लेना है ये देखिए इस तरीके से और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हींग जो मैंने ली है एक चम्मच एक बड़ी चम्मच हींग ले हींग भी बहुत अच्छी होती है ये भी हमें डाइजेशन के टाइम में हेल्प करती है और ये देखिए दो चम्मच के करीब मैं हल्दी ले रही हूँ हल्दी हमने ऑलरेडी अंदर कैरी में पहले डाली थी और ये अब मैं नमक ले रही हूँ तो नमक यहाँ पे करीब आप आ, सौ ग्राम के करीब नमक ऐड कीजिए इसमें तो ये नमक भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तो मैंने ये दो प्याली नमक ली है और अब इसके अंदर जाएगा ये जो लहसन हमने इसको जो तेल में फ्राई करा था ये लहसन इसके अंदर डाल देंगे और इसी के साथ मैं डाल दूँगी मिर्ची तो मिर्ची करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सौ ग्राम के करीब मिर्ची ऐड करूँगी तो ये देखिए मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड कर दी और अब जो तेल गरम करने में ने रखा था तो वो तेल ले लेंगे और वो तेल इसके ऊपर गरम गरम तेल हमें मसाले पर डालना है तो ये देखिए ताकि सब मसाले अच्छे से भुन जाए इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू निकल के आ रही है बहुत ही अच्छी और बस थोड़ा थोड़ा करके तेल डालते जाए और चम्मच की मदद से मसालों को ऊपर नीचे करते जाए ताकि सब मसाले आपस में मिल जाए और सिक जाए अच्छे से तो ये देखिए मैंने पूरा तेल इसमें गरम तेल इसमें डाल दिया है तेल हमें और लगेगा इतने तेल में अचार नहीं बनेगा तो टोटल मैंने एक किलो तेल लिया था तो जिसमें से दो प्याले अभी गरम करके इसमें ऐड किया है और बाकी का तेल अभी रखा है तो उसका भी आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है और बस पूरी तरीके से मसाले आपस में मिला ले अच्छे से ये देखिए मिर्ची और जो नमक है ये सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जानी चाहिए ये सब चीज़ों को मिलाते जाए अच्छे से और ये देखिए मैंने इन सबको अच्छे से मिला लिया है पूरी तरीके से और माशाल्लाह कितना अच्छा दिख रहा है देखो तो अब इसके अंदर तो इससे पहले हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो गरम रायते में आप बिल्कुल भी कैरी ना डालें क्योंकि कैरी फिर पानी छोड़ देगी और जल्दी से खराब अचार जो है वो ख़राब होने का डर है तो इससे पहले आप रूम टेम्परेचर पे आने दें पूरी तरीके से एकदम ठंडा हो जाइए पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही और ध्यान रखें गिल्ला चम्मच बिल्कुल ना डालें गिल्ले हाथ बिल्कुल ना डालें और अब झूठे हाथ भी बिल्कुल इसमें ना डालें तो इससे क्या होगा कि अचार खराब हो जाएगा और आपको अगर इसे लंबे टाइम रखना है तो इसके लिए हर बारी एक नया चम्मच ले और उसी से अचार निकालें ऐसा नहीं कि आप बरनी में आपने चम्मच डाल के रख दिया है और उसी चम्मच से आप इस्तेमाल कर रहे हो नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है प्योर शिंगदाने का तेल जैसा मैंने आपको बताया तो मैंने एक पाउच लेकर आई थी एक किलो का तो जो मैंने पहले थोड़ा तेल मैंने पहले यूज़ किया और अभी ये तेल को गरम करने रख देंगे और इसको अभी नहीं यूज़ करेंगे इसको दूसरे दिन सुबह यूज़ करेंगे और मैं अचार रात में बना रही हूँ और ये देखिए तो ये तेल को मैं गरम करने रख देती हूँ तो ये अच्छे से इसे भी धुआ धार गर्म होने देना है ताकि एकदम पूरी तरीके से ताकि इसके अंदर जो भी अचार ये है ये सब ख़त्म हो जाए ऑयल में और एक अच्छा सा तेल गरम हमको मिल जाए और ठंडा होना चाहिए तो ये रायता भी मेरा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी कैरी तो ये देखिए ये कैरी ली है मैंने और ये कैरी को भी मसालों में अच्छे से इसको भी कट कर लेना है पूरी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग कैरी को मसालों के साथ और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा अचार अच्छा बन रहा है ये मेरा तो आप लोग भी बनाइए कुछ भी मुश्किल नहीं है नहीं दो किलो से तो एक किलो से ट्राई कीजिए इंशाल्लाह आप भी बना लोगे और बहुत इजी अचार है बन जाता है आप बनाओगे अगर तो तो मैं तो इस तरीके से ही बनाती हूँ पहले हर बारी में एक किलो से मैंने ट्राई किया फिर डेढ़ किलो से फिर दो किलो से अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे हाथ पे अचार बैठ चुका है तो मुझे कोई टेंशन नहीं आती हिम्मत कीजिए हिम्मत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे तो बनाइए अपने बच्चों के लिए अपने घर अपनी फ़ैमिली के लिए तो ये देखिए पूरी मसालों में मैंने कैरी को मिक्स कर दिया है ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना तो बस इस तरीके से अब मैं इसे एक जार में भर लूँगी मेरे पास कांच की बरनी है तो मैं उस बरनी में इसको भरने वाली हूँ तो ये देखिए और अब इसका जो लाल कलर देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा वो कलर निकल के आया है मिर्ची का एकदम रेड लग रहा है अचार तो ये एक इसके अंदर मैं भर दूँगी और इसको भरने के बाद हमें इसे तीन दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है अचार को बीच बीच में आपको इसको चलाना भी है और तीन दिन तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि कैरी जो है वो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो आ, मिक्स हो जाए और सब मसाले वो अपने अंदर फ्लेवर एग्जॉर्व कर ले सब फ्लेवर वो अब आपस में ले लेगी उसके बाद आप अचार इंजॉय कर सकते हो और ऐसे भी अगर आप खाना चाहें तो अच्छा लगेगा लेकिन हाँ एकदम अच्छा इसका फ्लेवर आपको चाहिए तो तीन दिन तक आपको इसको इस तरीके से छोड़ देना है और हर रोज़ आप में इसके अंदर एक चम्मच चलाना है तो देखिए मेरा एक जार पूरा भर चुका है और उसमें भी इतनी इतना अचार बच बच गया है तो ये मैं एक दूसरी बरनी के अंदर उसे डाल दूँगी और ये देखिए बरनी मेरी भर चुकी है अभी इसमें तेल आएगा इसीलिए मैंने इतना इसको खाली छोड़ा है क्योंकि अभी मैं इसके अंदर जब तेल डालूँगी तो ये और भर जाएगी तो तेल बाहर गिरने लगेगा इसीलिए इसे इतना छोड़ दिया है और ये देखिए अब ये दूसरे दिन सुबह ये तेल रात में जो गर्म किया था ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है तो ये देख सकते हो आप लोग अचार और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया और कितना अच्छा दिख भी रहा है मेरा अचार माशा तो अब इसको मैं एक और मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैंने अचार देखिए डेढ़ बरनी दो किलो में डेढ़ बरनी अचार मैंने बना लिया है देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो लाजवाब है ही ये और जो लोग महाराष्ट्र से है ना भाई वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों के यहाँ भी क्या इसी तरीके से अचार बनता है अगर आप कुछ नए तरीके से बनाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग किस तरह बनाते हो और अब मैं ये तेल इसके अंदर डाल रही हूँ तो इसे पूरी भर दूँगी मैं तेल से तो देख सकते हो ये देखिए जितना तेल आप अचार में रखोगे आपका अचार उतना ही लंबे समय तक चलेगा और अच्छा रहेगा अचार में सिर्फ आपको तेल की मार ज़्यादा रखनी है तेल की मात्रा ज़्यादा रखनी है इसी से आपका अचार लंबे समय तक टिका रहेगा और अभी मैं जो एक्स जो बचा हुआ तेल है वो भी इनमें तो इन दोनों बर्नीों में मैंने तेल भर दिया है देख सकते हो आप लोग कि पूरी बर्नी मैंने तेल से भर दी है और यही है साल भर चलने वाले अचार का रीज़न कि जो अचार में अगर ज़्यादा तेल रखोगे तो ही वो साल भर चल जाएगा और जैसे मैंने आपको बताया कि आपने गिल्ला चम्मच नहीं डालना है आपने डायरेक्ट हाथ अंदर नहीं डालना है और हर बारी के लिए आपको एक नया चम्मच रखना है इसमें आप चम्मच डाल के नहीं रखना वरना जो चम्मच का है वो रिएक्ट प्लास्टिक भी जो है वो रिएक्ट करता है और स्टील ज़्यादा देर रखोगे वो भी रिएक्ट करेगा जर्मन का चम्मच रखोगे वो भी रिएक्ट करेगा तो बेहतर है हर बारी आप एक नया चम्मच लें और सूखा उसे गिल्ला ना रखे और सूखा चम्मच लेके आपको जितना अचार चाहिए उतना निकालें और इसे वापस से बंद करके रख दें और अभी मैं इसके ऊपर ना एक मलमल का कपड़ा आपने लपेट देना है ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो सब बाहर निकल जाए और तीन दिन के बाद आप इसे ढक्कन लगा सकते हो लेकिन तीन दिन के लिए देखिए ये मैंने मलमल का कपड़ा लिया है एक कोई भी कलर का ले सकते हो आप लोग ज़रूरी नहीं है आपको वाइट ही चाहिए तो ये कपड़े को अभी मैं इस पर बांध दूँगी और तीन दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी और बीच बीच में चलाती रहूँगी मैं तो ये देखिए तो आप लोग को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोगों के यहाँ कैसे अचार बनता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बस ये मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये सिंपल रेसिपी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ और इजी लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को कहीं जाना ना पड़े अब कुछ भी ज़्यादा झंझट वाली रेसिपी मैं नहीं लाती हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो इसी तो ये थी मेरी रेसिपी अचार वाली भाई गर्मियों का मज़ा और अभी बारिश का मज़ा तो अचार के साथ है तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दुआओं में याद